हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज वंडर वॉल फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड वंडर वॉल फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वंडर वॉल फोर्स जो है अट्रैक्शन का फोर्स है, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वंडर वॉल फोर्स कहलाता है। वंडर वॉल फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कहते हैं। तो इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस ये तीन तरह के होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल मतलब जो भी मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उन्हें डाइपोल कहा जाता है, और जो पोलर नहीं होता है उन्हें हम इंड्यूस्ड डाइपोल कह सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब पोलर और पोलर के बीच में जो फोर्स होगा उसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। एंड डाइपोल टाइपोल इंट्रैक्शन इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव इन ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव इंड ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तो ऑफकोर्स उनमें प्लस माइनस चार्ज होंगे, कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एक साइड प्लस चार्ज दूसरी साइड माइनस चार्ज, और दूसरे मॉलिक्यूल में भी प्लस माइनस चार्ज होगा। और अट्रैक्शन फोर्स है तो अट्रैक्शन तो हमेशा अपोजिट चार्ज में ही लगता है, मतलब प्लस और माइनस में। एक मॉलिक्यूल का प्लस चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी को डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड कीसोंग फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्स को कीसोंग फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे कीसोंग, ये उन्होंने ही खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे कीसोंग फोर्सेस भी कहा जाता है। द ओरिएंटेशन इफेक्ट, और इस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को द ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस। मतलब ये वंडर वॉल फोर्स के जो तीनों टाइप हैं इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और बाकी सब इससे कम होते हैं, सबसे ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल में HCl, HCN, NH3 आते हैं। मतलब HCl में ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। देखिए इसमें HCl में H प्लस Cl माइनस का एक कंपाउंड है, दूसरे कंपाउंड H प्लस Cl माइनस, तो ये Cl माइनस ये H प्लस इनके बीच लगने वाला फोर्स डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। ये देखिए एग्जांपल में देखते हैं हम HCl, जिसमें Cl जो है पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब कि वो कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है, इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरीके से नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन के साइड है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन को ये अपने साइड ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस कारण इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच जो लगने वाला ये फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स, इसी को डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो सेकेंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, दीज फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हम नाम से ही देख सकते हैं, डाइपोल मतलब पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब नॉन पोलर। मतलब ऐसा फोर्स जो एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है उसी को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। द पॉजिटिव इंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इट्सेल्फ। अभी हम इस एग्जांपल में देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। दस द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर ड्यू टू इंडक्शन। द रिजल्ट इज दैट द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुगेदर बाय द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो हम इसमें पहली लाइन देखते हैं, द पॉजिटिव इंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, ये है पोलर मॉलिक्यूल, इसका जो पॉजिटिव इंड है अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये पॉजिटिव जो होता है वो तो सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे रोटेट होते रहते हैं, तो ये जो पोलर है उसका पॉजिटिव इस नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है।
दस द नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम पोलर ड्यू टू इंडक्शन। तो ये जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक साइड में हो गए प्लस की साइड, तो ये भी पोलर बन गया, ये भी पोलर बन गया। तो इसी तरह से इसका द रिजल्ट इज दैट द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुगेदर बाय डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये जो अट्रैक्ट हुआ, ये जो अट्रैक्शन फोर्स था, इसी को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड डिबे फोर्सेस। डिबे भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन के बारे में बताया था, इस उन्हीं के नाम पे इसे डिबे फोर्सेस भी कहा जाता है। और द इंडक्शन इफेक्ट, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, दस द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर ड्यू टू इंडक्शन। ये इंडक्शन की वजह से ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसी वजह से इसे इंडक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। तीसरा पार्ट है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी वही होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग होता है उसी को हम इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। दीज फोर्सेज आर फाउंड इन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब ये फोर्सेस दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं, सच एज डाई एटोमिक गैसेज लाइक H2O2, Cl2N2 एटसेट्रा, एज वेल एज मोनो एटोमिक नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। मतलब ये डाई एटोमिक गैसेज जैसे H2O2, Cl2N2, इन सब में तो पाए ही जाते हैं। जैसे ये तो दोनों नॉन पोलर हैं ना, हाइड्रोजन एक पोलर, दूसरा हाइड्रोजन ये भी नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर हैं तो इनके बीच पाया जाएगा। और इसी तरह ये नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मतलब हमारे 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा, इन सब में भी पाए जाते हैं। एंड नॉन पोलर एटम हैज अ पॉजिटिव सेंटर एंड अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स अराउंड इट सिमेट्रिकली, बोथ ऑफ दीज आर इक्विलिब्रियम। मतलब अ नॉन पोलर एटम हैज अ पॉजिटिव सेंटर, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में तो पॉजिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि मूव करते रहते हैं। बोथ ऑफ दीज आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये प्लस और ये जो बीच में किनारे किनारे ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है। इट इज प्रिज्यूम दैट सिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम अनसिमेट्रिकल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ये प्रिज्यूम किया गया, मतलब ये देखा गया है कि जो सिमेट्रिकल मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, मतलब प्लस माइनस की, प्लस तो स्टेबल रहता है, माइनस की जो मूवमेंट होती है वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, मतलब बहुत छोटे समय के लिए अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वन एंड ऑफ एटम गेट्स पॉजिटिव वाइल द अदर एंड गेट्स निगेटिव चार्ज। मतलब जो वो बहुत छोटे टाइम के लिए अनसिमेट्रिकल होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड निगेटिव हो जाता है। ये देखिए टेम्परेली लिखा है, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए। दिस डाइपोल इंड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल टेम्परेली, मतलब ये जो प्लस माइनस चार्ज आए ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। द एटम्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू द मिल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी टाइम में ये प्लस माइनस, ये माइनस और प्लस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, द माइल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब द ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन्हीं की वजह से ये माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन ऑफ गैसेज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फोर्स जो है कंडेंसेशन ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक बार नॉर्मली देखना है कि नॉन पोलर है जिसमें प्लस बीच में है, माइनस किनारे किनारे है, तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं और प्लस चार्ज एक साइड और माइनस चार्ज एक साइड हो जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरे एटम के प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इसका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इसका प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है और इसी को इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन डेर वॉल फोर्सेज, दीज फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज, मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है ये जो फोर्स होगा बहुत कम जगह के लिए होगा, मतलब अगर
जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होंगे तो ये फोर्स काम नहीं करेगी, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस के लिए होते हैं। दीज आर ओनली इफेक्टिव अप टू 10^-7 सेंटीमीटर, मतलब जो 10^-7 सेंटीमीटर के बीच में अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तभी ये वंडर वॉल फोर्स लगेगा, उससे ज़्यादा होने पर वंडर वॉल फोर्स काम नहीं करेगा। दीज फोर्सेज आर मच वीकर देन कोवेलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो वंडर वॉल फोर्सेज है ये कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, ये दोनों इससे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब वंडर वॉल फोर्स वीक होता है। ठीक।